हेलो किड्स, टुडे आई विल टेल यू अ स्टोरी फ्रॉम योर मैरीगोल्ड बुक चैप्टर हल्दीज एडवेंचर। वन मॉर्निंग एज हल्दी वॉक टू स्कूल शी मेट अ जिराफ। द जिराफ वोर बिग ग्लासेस एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड। ही स्माइल्ड एंड सेड गुड मॉर्निंग हल्दी। एक सुबह हल्दी जो है वो स्कूल जा रही थी, वो एक जिराफ से मिलती है। जिराफ ने बड़े बड़े ग्लासेस पहन रखे थे और उसने अपनी हाथ में एक पुस्तक ली हुई थी। बच्चों, यहाँ पे ग्लासेस से मतलब वो ग्लास नहीं है जिसमें हम लोग पानी पीते हैं या फिर आप दूध पीते हो। यहाँ पे ग्लासेस से मतलब है स्पेक्टेकल्स, यानी चश्मा, जिसे आप लोग देखते होंगे आपके घर में। अगर दादा दादी होंगे या नाना नानी होंगे तो वो लोग भी पहनते हैं। तो वो एक ऐसे जिराफ को देखती है जिसने बड़े बड़े ग्लास पहने थे और उसके हाथों में एक पुस्तक थी। उसने हल्दी को देखा, स्माइल करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग हल्दी। हल्दी लुक्ड अप एट हिम। आई एम सॉरी टू स्टेयर, शी सेड, बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू। हल्दी उसकी तरफ देखती है और वो कहती है, आई एम सॉरी, यानी कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें घूर कर देखी, लेकिन सच में मैं तुम जैसे जिराफ से पहले कभी नहीं मिली थी। और ये तो सही है बच्चों, हम लोगों ने भी बहुत सारे टाइम जिराफ को देखा है, लेकिन कभी इस तरह का जिराफ आप लोगों ने देखा है जिसने बड़ी बड़ी ग्लासेस पहन रखी और हाथों में पुस्तक ली हुई हो? नहीं ना। अगर हम लोग को भी ऐसा जिराफ मिलेगा तो जाहिर सी बात है हम लोग भी सरप्राइज हो जाएंगे। तो उसी तरह से हल्दी भी सरप्राइज हो जाती है उस जिराफ को देख कर। माई नेम इज स्माइली, सेड द जिराफ, व्हेनेवर यू सी मी यू विल स्माइल। फिर उस जिराफ ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम स्माइली है और तुम मुझे जब भी देखोगे तो मुस्कुराओगी। हल्दी वॉज सरप्राइज एंड हैप्पी टू। हल्दी आश्चर्यचकित भी होती है और खुश भी होती है। देन शी रिमेंबर दैट शी वुड बी लेट फॉर स्कूल, सो शी सेड टू द जिराफ, आई वुड लव टू टॉक टू यू, बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट। तभी हल्दी को अचानक से याद आता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो रही है। तो वो स्माइली को देखते हुए कहती है कि मुझे तुमसे बात करना तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। द जिराफ सेड, नॉट इफ यू राइड ऑन माई बैक, इफ यू क्लाइम ऑन माई बैक, आई विल रन सो फास्ट दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? तो फिर जिराफ जिसका नाम स्माइली था उसने कहा कि नहीं, तुम अगर मेरी पीठ पे बैठ जाओगी तो मैं तुम्हें जल्दी से वहाँ पहुँचा, तुम्हारे स्कूल पहुँचा दूंगा, तुम लेट नहीं होगी, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम उड़ते हुए पहुँच गई हो। क्या फिर वो उससे पूछता है, स्माइली पूछता है हल्दी से कि क्या तुम रोज स्कूल जाती हो? देन हल्दी सेड, यस आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज, ट्यूजडेज, वेंसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडेज। ऑन सैटरडेज आई प्ले गेम्स एट स्कूल। हल्दी कहती है कि हाँ, मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को स्कूल जाती हूँ और सैटरडे को मैं स्कूल में जाकर खेलती हूँ। व्हाट डू यू डू इन स्कूल, आस्क्स द जिराफ। जिराफ उससे पूछता है कि तुम स्कूल में जाकर करती क्या हो? तो हल्दी ने उसे कहा, आई लर्न अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स। हल्दी उसे कहती है कि मैं स्कूल में पेड़ों के बारे में, तारों के बारे में, चिड़ियों के बारे में सीखने जाती हूँ। दैट इज गुड, सेड द जिराफ, आई लव बुक्स टू, दे आर लॉट्स ऑफ फन, नाउ जंप ऑन माई बैक, आई विल टेक यू टू स्कूल। स्माइली कहता है कि वाह, ये तो बहुत अच्छा है, तुम्हें मालूम है मुझे भी पुस्तकें बहुत पसंद हैं और स्कूल में तो और भी मज़ा आता है, तो ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पे उछल कर जल्दी से बैठो, मैं तुम्हें स्कूल पहुँचा दूंगा। हल्दी देन जम्प्ड ऑन द जिराफ्स बैक एंड फाउंड दैट शी कुड सी सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द टॉप एंड बिफोर शी न्यू इट शी हैड रीच्ड द स्कूल प्ले ग्राउंड। शी क्लाइम डाउन, देन शी टर्न बैक टू थैंक द जिराफ, शी फाउंड दैट ही हैड गॉन अवे। हल्दी जल्दी से जिराफ की पीठ पे बैठ जाती है और हल्दी जल्दी से उसकी पीठ पे बैठ जाती है। जब वो उसकी पीठ पे बैठती है तो वो देखती है कि उसे वहाँ से सारी चीज़ें, उसे बहुत कुछ दिखाई देता है।
Haldi then jumped on the giraffe's back and found that she could see so many things from the top. Haldi जब जिराफ की पीठ पे बैठ जाती है तो जब बैठ जाती है तो उसे बहुत कुछ दिखाई देता है. बच्चों उसे इसलिए ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे क्लियरली दिखाई देती हैं क्योंकि आपको मालूम है कि जिराफ बहुत लंबा जानवर होता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर जिराफ पे कोई बैठेगा तो उसे वो सारी चीज़ें अच्छे से दिखाएंगी जो छोटे से बच्चे को ज़मीन पर रहते हुए नहीं दिखाई देती हैं. जिस तरह से हम लोग जब अपने घर की छतों पर चढ़ते हैं तो हम लोग को अपनी कॉलोनी के घर ज़्यादा अच्छे से दिखाई देते हैं या पेड़ पौधे ज़्यादा अच्छे से दिखाई देते हैं, तो उसी तरह से हल्दी जब जिराफ की पीठ पर बैठती है तो उसे सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से दिखाई देती हैं और उसे ये पता भी नहीं चलता है कि वो स्कूल के प्लेग्राउंड में यानी खेल के मैदान में कब पहुंच गई. शी क्लाइम डाउन मीन्स वो नीचे उतर गई और जैसे ही वो उतर के पीछे मुड़ती है तो जब वो जिराफ की पीठ पर से उतरती है तो उसे धन्यवाद देने के लिए मुड़ती है लेकिन तब तक जिराफ जो है वहाँ से जा चुका होता है. ओह हल्दी थॉट व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैड. फिर हल्दी सोचती है कि वाह ये कितना मज़ेदार था ना, इससे पहले तो मैंने कभी इतना एडवेंचरस थिंग देखा ही नहीं था, यानी कि इससे पहले ये कभी इतने तरह के साहसिक काम को देखी ही नहीं थी. क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम लोग किसी जानवर के ऊपर बैठते हैं तो डर तो लगता ही है, लेकिन हल्दी ने बिना डरे हुए जिराफ की पीठ पर बैठकर अपने स्कूल की यात्रा पूरी की जो उसके लिए काफ़ी एडवेंचरस थी. तो ये थी हल्दी और स्माइली की स्टोरी. Now write these hard words from this chapter in your notebook and learn it. Words are adventure, walked, glasses, looked, giraffe, whenever, surprised, remembered, talk, rush, ride, climb, flying, jumped, found, before, new, playground, turned, thought, wonderful. This is your home assignment. Must learn these words. Okay, children? Okay.